स्वागत है दोस्तों आपका एबिस्टूज नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीरंड के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि जीरंड जो है क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँ कि आप हमारे चैनल को ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो जीरंड है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसे जीरंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नीचे कुछ वाक्य मैं दे रहा हूँ, जो है आप इसमें छपे जो है शब्दों को देख करके जो है आप समझ सकते हैं कि जो है जीरंड किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें जो वॉकिंग शब्द है ये क्या है, यह जो है जीरंड होगा। ठीक है, जैसे अगला शब्द है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। ठीक है, तो इसमें जो रीडिंग शब्द है वो क्या है, वो जो है जीरंड होगा। ठीक है, और तीसरा जो है मान लीजिए कि ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्लेइंग शब्द है वो जो है जीरंड होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक नोट करने वाली, ध्यान देने वाली बात बताना चाहूँगा कि जो जीरंड है, जीरंड एक नाउन की तरह किसी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, या प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात दोस्तों किसी वाक्य में जीरंड वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ एक नाउन जो है प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे समझने के लिए जो है नाउन और जीरंड के तुलनात्मक प्रयोग पर हम विचार करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कुछ सेंटेंस हैं, जैसे टी इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें टी क्या है, टी जो है नाउन है। ठीक है, तो इसके स्थान पर मान लीजिए कि मैं एक और दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो जो स्मोकिंग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है स्मोक वर्ब है और प्लस आईएनजी सब जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो है हमारा जीरंड हो जाएगा, जो कि क्या है, आप देख सकते हैं कि टी के जगह पर जो है मौजूद हो रहा है टी, और जो है टी जो है नाउन है, इसलिए स्मोकिंग क्या होगा, स्मोकिंग जो टी की यूज हो रहा है इसलिए यह जीरंड हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई लव टॉयज। ठीक है, इसमें टॉयज है नाउन। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम किसी जो है जीरंड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई लव डांसिंग। ठीक है, डांसिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं कि डांस प्लस आई एन जी, जो कि वर्ब प्लस आई एन जी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा डांसिंग शब्द क्या हो जाएगा, डांसिंग शब्द जो है जीरंड हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक और जो है नोट करने वाले, ध्यान देने वाले बात बताना चाहूँगा कि जब वर्ब प्लस आई एन जी का प्रयोग वर्ब की तरह हो तब उसे हम जीरंड नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें वर्ब प्लस आई एन जी जीरंड नहीं है, जैसे कि दोस्तों आई एम डांसिंग। ठीक है, इसमें जो डांसिंग है वो क्या है, इसमें मेन जो है केवल वर्ब के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जैसे अगला है सेंटेंस जो है सी इज स्मोकिंग। ठीक है, तो इसमें जो स्मोकिंग शब्द है वो क्या है, जीरंड नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो है वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो है जीरंड आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह बहुत एक ईजी टॉपिक है इंग्लिश का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे जल्द एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिए।